हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन इंग्लिश क्लास आई एम योर इंग्लिश टीचर अल्पना टुडे आई एम एक्सप्लेन अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फिफ्थ ग्रैनीज ब्लैकी ग्रैनी दादी माँ को बोला है और ब्लैकी जो है वो एक एलिफेंट का नेम है ओके तो लेट्स सी द चैप्टर एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड देरस्टेंड एवरी थिंग एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट एनिमल्स लॉयल्टी और एनिमल्स की वफ़ादारी के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ बनी हुई हैं डू यू नो ऑफ एनी सच स्टोरी शेयर इट विद योर क्लास जो राइटर है वो ये चाहता है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो वो क्लास में बताएँ Let's सी द स्टोरी लॉन्ग लॉन्ग एगो there lived लिव्ड एन ओल्ड who हु a black ब्लैक बेबी एलिफेंट बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत ने एक बेबी एलिफेंट को अपने घर में रख रखा था जो कि ब्लैक कलर का था द चिल्ड्रन इन विलेज यूज टू कॉल हर ग्रैनी और जो बच्चे थे वो उस लेडी को ग्रैनी के नाम से जानते थे एंड दे नेम्ब हर एलिफेंट ब्लैकी और वो उसके एलिफेंट को ब्लैकी के नाम से पुकारते थे ग्रैनी ब्लैकी वॉज अ वेरी फ्रेंडली लिटिल एलिफेंट ग्रैनी का जो ब्लैकी था वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था और छोटा सा एलिफेंट था ही यूज़ टू गिव जॉय राइड्स टू ऑल द चिल्ड्रन और वो जो है अक्सर बच्चों को सवारी कराया करता था एंड दे देयर फूड विद हिम और जो वो बच्चे थे वो अपना अपना फूड उसके साथ शेयर किया करते थे द ओल्ड वूमेन यूज़ टू डू स्टिचिंग ओल्ड वमेन जो था वो सिलाई का, का काम किया करती थी एंड टेलरिंग वर्क और टेलर का वर्क करती थी एंड ब्लैकी यूज़ टू हैप्पीली स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन और जो ब्लैकी था वो खुशी खुशी अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करता था मैनी ईयर पास इन दिस मैनर और इस तरह से बहुत सारे साल पास हो गए वन डे ब्लैक ही वॉन्टेड ग्रैनी टू अ कंपनी हेम टू दर्ड्स एक दिन जो था वो ब्लैक वो ये चाहता था कि वो दादी माँ के साथ जंगल जाए बट ग्रैनी सेड माई डिया ब्लैक ही आई कॉन्ट वॉक विद फार उन्होंने कहा कि मैं जो है अब तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं जा सकती आई एम नो लॉन्गर एज स्ट्रॉन्ग एंड फिट एज आई यूज टू बी मैं अब इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ कि जैसे कि मैं पहले हुआ करती थी ब्लैकी रियलाइज़ दैट ग्रैनी वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड फीवल अब ब्लैकी को महसूस हुआ कि जो दादी माँ थी, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड और फीवल मीन्स होता है कमज़ोर अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी ही थाट टू हिमसेल्फ वो अपने मन में सोचने लगा दिस ओल्ड वुमेन हैज़ लुक आफ्टर मी फॉर सो मैनी ईयर्स नाव जो बूढ़ी औरत है उसने मेरी एक देखभाल में बहुत सारे समय को व्यतीत कर दिया है इट इज़ माई टर्न टू टेक केयर ऑफ हर अब मेरी बारी है उनकी देखभाल करने की एंड रिपीट द डैप्ट और अपने कर्ज को चुकाने की डैप्ट मींस होता है कर्जा आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग अर्न मनी अब मुझे भी पैसा कमाना शुरू करना चाहिए सो ब्लैक इज सेट आउट टू फाइंड सम वर्क इसीलिए ब्लैक जो था वो कुछ वर्क ढूंढने के लिए चल दिया वैन ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर बैंक जब वो नदी के किनारे जा रहा था ही सा मैन लुकिंग ट्रेवल उसने एक आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान देखा ही हैड सम हैविली लोडेड ब्लक कार्स स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रिवर उसने uh, uh, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने uh, कुछ सामान से भरी हुई जो बैलगाड़ियाँ थीं वो नदी के बीच में खड़ी कर रखी थी हिज़ बुलक वार फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू लुक दैम और जो उसकी बैलगाड़ियाँ थी वो जो थी वो उनको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहा था कि मैं इन गाड़ियों को नदी के बाहर कैसे लाऊं? वेन ही सा ब्लैकी जब उसने ब्लैकी को देखा ही आज हिम टू हेल्प उसने उससे पूछा कि हेल्प करे वो हिज़ बुलक्स इन पुलिंग द कार्ड्स आउट ऑफ द रिवर कि जो उसकी बैलगाड़ियाँ हैं वो नदी के बाहर निकाल दे ही टू पे टू सिल्वर कॉइंस फॉर ईच कार्ट दैट दुल आउट ऑफ द वॉटर और उसने प्रोमिस किया कि वो एक बैलगाड़ी को बाहर निकालने का दो सिल्वर के सिक्के देगा ब्लक्स ब्लैकी एग्रेड टू हेल्प ब्लैकी उसकी हेल्प करने के लिए मान गया ही वेंट इन टू द रिवर वो नदी में गया एंड पुल आउट वन कार्ट आफ्टर एनिंग द एक के बाद एक उसने सारी गाड़ियां बाहर निकाल दी ए क्रॉप टू द बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे पर ला दी उसने आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क अपने काम को पूरा करने के बाद ही वेंट टू दैट मैन टू टेक द मनी उस आदमी के पास अपना पैसा लेने के लिए गया बट ही सा दैट डिस ऑनेस्ट मैन हैड गिविन हिम ओनली वन हाफ द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड प्रोमिस लेकिन वो जो बेईमान व्यक्ति था उसने केवल आधे ही पैसे जितने कि उसने प्रामिस किए थे उसके आधे पैसे उसने ब्लैकी को दिए ब्लैकी वॉज वेरी एंग्री ब्लैकी बहुत नाराज था विद द डिसऑनेस्ट मैन उस बेईमान व्यक्ति की वजह से ही वेंट एंड स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड टू प्रिवेंट हिज कार्स फ्रॉम मूविंग फर्दर अब वो जो ब्लैकी था वो रास्ते में खड़ा हो गया और उसने जो है ब्लक कार्ड्स को आगे जाने से रोक दिया दैट मैन ट्राइड टू गेट ब्लैकी आउट ऑफ हिज वे बट ब्लैकी डिड नॉट बुज एन इंच अब जो वो व्यक्ति था उसने कोशिश की ब्लैकी को अपने रास्ते से हटाने की बट जो ब्लैकी था वो एक इंच भी नहीं हटा